फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। दिल्ली के शाहीन बाग में इटावा की तर्ज पर CAA और NRC के विरोध में सड़कों पर बैठी सैकड़ों महिलाओं को पुलिस ने जबरन धक्का मुक्की कर उठाया, तो वहीं महिलाओं के पास जमा भीड़ को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आज सुबह से ही मुस्लिम बाहुल्य इलाके में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपने बच्चों को लेकर धरने पर बैठ गई थी। देर रात होते होते हजारों में संख्या पहुंच गई। मौके पर जिले के आला अधिकारी और जनपद की भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहे। इटावा के मुस्लिम बाहुल्य इलाके पचराहा में कल दोपहर से NRC और CAA के विरोध में सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर बैठ गई थी। प्रशासन ने दोपहर से ही धारा 144 लगी होने का हवाला देते हुए भीड़ को हट जाने को कहा, लेकिन महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ डटी रही। महिलाओं का कहना था कि जब सरकार के मंत्री इस कानून के पक्ष में भीड़ एकत्रित कर जुलूस निकाल कर धारा 144 का उल्लंघन कर सकते हैं, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध तो कर ही सकते हैं। अंधेरा होते ही महिलाओं के आसपास पुरुषों की भीड़ जमा होने लगी और संख्या हजारों में पहुंच गई। तब जाकर भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा और तब पुलिस ने सड़कों क्या, होटलों क्या, गलियां क्या, पब्लिक को दौड़ा दौड़ा कर हर जगह पीटा। उसके बाद धरने पर बैठी महिलाओं को सिटी मजिस्ट्रेट और SDM की तरफ से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बात बनती न देख महिलाओं को जबरदस्ती महिला पुलिस बल के द्वारा उठाना पड़ा। इस दौरान जनपद की सारी फोर्स और सभी आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए FirstBite.TV।